साल 1977 में नक्शे पर आई शमशाबाद विधानसभा सीट से हर वर्ग का नेता विधायक चुना जाता रहा है। वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा ने सूर्य प्रकाश मीणा की जगह कांग्रेस नेता राजश्री को टिकट दिया और कांग्रेस ने पुनः ज्योत्सना यादव को उम्मीदवार बनाया, लेकिन भाजपा की जीत हुई। प्रदेश की राजधानी से सटे विदिशा जिले की विधानसभा सीट शमशाबाद भाजपा के मजबूत गढ़ में शामिल हो चुकी है। यादव ब्राह्मण मीना किरार जाति बाहुल्य गांवों वाली इस सीट पर भाजपा का लगातार चौथी बार कब्जा बरकरार है। भाजपा से संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो यहां से वर्तमान विधायक राजश्री सिंह को पूर्ण विश्वास है कि भाजपा टिकट उन्हें ही देगी, लेकिन बदलाव की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। इसके चलते वर्ष 2008 और 2013 में विधायक रहे सूर्य प्रकाश मीणा को फिर से उम्मीद है कि उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके श्याम सुंदर शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे के दौरान जब अचानक पूर्व वित्त मंत्री राघव जी से मिलने उनके निवास पहुंचे, उसके बाद उनकी बेटी ज्योति शाह का नाम भी चर्चाओं में आ गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बदले माहौल में उम्मीद देख रही कांग्रेस की ओर से 2008 का चुनाव हारे कांग्रेस के सिंधु विक्रम सिंह प्रमुख दावेदार हैं। वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। इसके अलावा युवक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शिवेंद्र प्रताप सिंह, राजेश दुबे बर्रो से लेकर ज्योत्सना यादव तक का नाम शामिल है।